हाय एवरीवन, मैं शिवानी, मैं पीपल फार्म की को फाउंडर हूँ और पीपल फार्म प्रोडक्ट्स भी लीड करती हूँ। जो इस जगह पे हम रहते हैं वहाँ पे कहीं भी भेलपूरी की दुकान नहीं है, तो जब भी मेरा भेलपूरी खाने का मन करता था तो मैं बाज़ार से बना बनाया पैकेट ले आती थी घर पे और उससे भेलपूरी बना लेती थी, या जो भी नमकीन घर में बची हुई होती थी उससे भेलपूरी बना लेती थी। पर मुझे जब भी ये मैं बाज़ार की बनी हुई भेलपूरी खाती थी तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। मुझे लगता था एक तो ये पाम ऑयल में बनी है, डीप फ्राइड है और इसके इंग्रेडिएंट्स भी अनहेल्दी इंग्रेडिएंट्स हैं, तो क्यों ना मैं अपनी वीगन स्नैक की भेलपूरी बना के देखूं। और वाकई वो बहुत स्वाद बनी। जो ये वीगन स्नैक है ये मेरी माँ की रेसिपी है। जब वो हमारे साथ फार्म पर रहने आई तो उस समय हम प्रोडक्ट्स ऐड कर रहे थे अपनी प्रोडक्ट्स लाइन में, और उन्होंने कहा कि यू ना तुम इसको ट्राई करो अपनी प्रोडक्ट्स लाइन में रख कर देखो कि इसका क्या रिस्पॉन्स आता है। और इनफैक्ट आज ये हमारी बेस्ट सेलर प्रोडक्ट है। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स चाहिए। एक तो चाहिए हमें वीगन स्नैक का पैकेट, और इस नमकीन में ऑलरेडी हमारे पास भुने हुए मूंगफलियाँ हैं, भुना हुआ पोहा है, सरसों के सीड्स हैं इसमें, और कड़ी पत्ता है, नारियल है, किशमिश है, तो और नमक और जागरी भी ऑलरेडी एडेड है, इसलिए आपको और कुछ बहुत सारा सामान नहीं चाहिए होगा भेलपूरी बनाने के लिए। हमें चाहिए एक कटा हुआ प्याज, थोड़े से कटे हुए टमाटर, धनिया पत्ता, मिर्ची अगर आपको अच्छी लगती है या ऑप्शनल है, आप नहीं भी डालना चाहें तो नहीं डालें, थोड़ा सा मिंट चटनी चाहिए जो हम लोग रोज़ घर पे वैसे ही बनाते हैं, और थोड़ी सी घर की बनी हुई टैमरिंड सॉस जिसे इमली की चटनी भी कहते हैं। और अब हम आपको सिंपल सी रेसिपी बनाना बता देंगे। एक बोल ले लीजिए जिसमें हम ये सारे इन्ग्रीडियंट्स मिक्स करेंगे। सबसे पहले वीगन स्नैक, इसको आप पतीले में डाल दीजिए। उसके बाद जो कटे हुए सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, टमाटर, मिर्ची, प्याज और धनिया, इसके बाद इसमें आपने थोड़ी सी मिंट सॉस डाली, इमली की चटनी जो हमने घर पे बनाई है, आप इसे ज़्यादा कम भी कर सकते हैं, कईयों को ज़्यादा चटपटा अच्छा लगता है तो ज़्यादा चटनी डाल लीजिए, नहीं तो कम, और इन सब चीज़ों को मिक्स कर लीजिए अच्छी तरह से। और आपने इसमें कुछ नमक नहीं डालना और कुछ नहीं डालना क्योंकि इसमें ऑलरेडी सब एडेड है, और बस आपका ये भेलपूरी रेडी। इसको बस आप एक छोटे से बोल में सर्व करने से पहले उसमें डाल दीजिए, और ऊपर से थोड़ी चटनी, क्योंकि मुझे ज़्यादा चटनी पसंद है इसलिए मैं इसमें थोड़ी और चटनी डालना चाहूँगी, और बस ये तैयार। अगर आपने नमकीन खाई है तो आपको पता है ये बहुत अपने आप में ही बहुत टेस्टी है, इसमें कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर जिस दिन आपका मन करे कुछ चटपटा खाने के लिए तो आप वीगन स्नैक का ही इस्तेमाल करके उसकी भेलपूरी खा सकते हैं।